नमस्कार, मैं हूं रवि साहू। आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। कोरोना संक्रमण के दौरान कई लोग काल कवलित हो रहे हैं। ऐसे में सेवा भारती के माध्यम से कई प्रकार की सेवाएं की जा रही है। उनके माध्यम से हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर में जरूरी संसाधनों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उनका सहयोग देने के लिए लैंसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आगे हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अपने कर्मचारियों से व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से राशि एकत्रित की गई और उसके बाद सेवा भारती को सहयोग के लिए राशि सौंपी गई, जिससे अब कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए वो राशि उपयोग की जाएगी। लैंसेक्स उद्योग के अधिकारियों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोरोना मरीजों के लिए सहायता राशि एकत्रित कर सेवा भारती को सौंपी गई। नागदा कोरोना महामारी के संकट के समय कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं संक्रमित मरीजों के उचित उपचार हेतु सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सेवा भारती नागदा के द्वारा लैंसेक्स इंडिया के उचित के प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी ओर से प्रयास करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मनाए जा घंटे में सहयोग निधि के रूप में 55,555 रुपए की राशि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से इकट्ठी की और इस राशि से अब मरीजों के लिए 100 भाप की मशीन क्रय की गई एवं शेष 46,555 रुपए का चेक सेवा भारती के प्रबंधक पंकज देशमुख को प्रदान किया गया। मैं जितेंद्र सिंह कुशवाहा, लैंसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने अपने अधिकारियों से बातचीत कर समस्त अधिकारी वर्ग ने हमें इसमें सहयोग प्रदान किया। जो संकट में, कोरोना के संकट में इस महामारी को देखते हुए आज विकट स्थिति बनी हुई है, इसके दौरान सभी का हमारे को सहयोग होते हुए सहयोग निधि हमें प्रदान करी। इस व्यक्तिगत सहयोग निधि से हमने 100 स्टीम वेपोराइजर लिए तथा हमको इन समस्त अधिकारियों से हमें मात्र 8 घंटे में डिजिटल पेमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से 55,555 रुपए की राशि एकत्रित हुई। इस राशि में हमने 100 भाप की मशीन मंगाई एवं शेष राशि का चेक हम नागदा में सेवा भारती को देने जा रहे हैं। मैं समस्त लैंसेक्स के अधिकारियों से मैं उनका हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे छोटे से आग्रह पर सभी ने मिलकर जो सहयोग, व्यक्तिगत सहयोग जो दिया, उसके लिए मैं पुनः उन सभी अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पहली जो कोरोना की लहर चली थी विगत वर्ष, तो ऐसा देखने में आया था कि महानगरों तक ही वो व्याप्त थी, ग्रामीण क्षेत्र उसके प्रभाव में नहीं थे। पर अभी देखने में आ रहा है कि हमारा नागदा नगर, आसपास के गांव, कोई ऐसा गांव अछूता नहीं है जहां पर ये संक्रमण पहुंचा नहीं हो। गांव में कई चीजों का अभाव भी रहता है, कई छोटी छोटी सुविधाएं जो आप यहाँ देख रहे हैं, स्टीमर, ये बहुत सुलभ है नागदा नगर के लिए, पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी दुर्लभ चीज हो जाती है। ऑक्सोमीटर जो हर हॉस्पिटल में मिल जाता है, पर गांव में जो प्रैक्टिस कर रहा है, छोटा डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास में वो ऑक्सोमीटर भी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा मोहल्ला कोरोना मुक्त मोहल्ला, ऐसा अभियान जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने अपने हाथ में, संघ ने अपने हाथ में लिया और सेवा भारती के माध्यम से प्रत्येक गांव में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो शासकीय शिक्षक हैं, वो वाकई प्रशंसा के पात्र हैं, जो अपने स्वयं को जोखिम में डालकर और गांव-गांव में जाकर, घर घर में जाकर उन्होंने सर्वे कार्य किया। उनके साथ में संघ के भी कार्यकर्ता सतत लगे रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि कई लोग चिन्हित भी हुए जो संक्रमित थे पर अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे, उनको थोड़ा सा प्रेरणा दी, उनका उत्साहवर्धन किया और वो हॉस्पिटल तक पहुंचे, उन्होंने जांच करवाई। पर फिर भी ये छोटी चीजें, ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही थी कि ये छोटी छोटी चीजें हर एक गांव तक और हर एक सेवा बस्ती तक पहुंचना चाहिए। तो उसमें चार चीजें हमने निर्धारित करी, एक स्टीमर, दूसरा ऑक्सोमीटर
और तीसरा टेम्परेचर, जो डिजिटल टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर होता है वो थर्मामीटर, और इसमें देने के लिए जो भाप देने की एक टेबलेट आती है उसकी स्ट्रिप। तो ऐसी योजना बनाई कि हर एक गांव में और हर एक सेवा बस्ती में एक कार्यकर्ता रहेगा जिसके पास ये चार चीजें उपलब्ध रहेंगी। गांव में अगर किसी को भी इन चारों चीजों में से किसी चीज की आवश्यकता लगती है तो वो उस कार्यकर्ता से प्राप्त कर सकता है, या कार्यकर्ता को अगर ऐसा लगता है, स्वयं सेवक को ऐसा लगता है कि फलाना घर में कोई संक्रमित है और उसको इस चीज की जरूरत है, तो ये स्टीमर जो है वो वाकई बड़ा लाभदायी है। अभी डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि चाहे हम सब हैं, पत्रकार बंधु हैं, सेवा कार्य में लगे हुए लोग हैं, जितने भी आगे आने वाले जितने भी लोग जो सेवा कार्य कर रहे हैं उनको भी ये सुझाव देते हैं कि रात्रि में चाहे आपको कोई सिम्टम्स ना हो पर रात्रि में सोने के पूर्व ये स्टीमर से एक बार जरूर भाप लें। तो ये छोटी चीज हर एक गांव में पहुंचे, इसलिए सेवा भारती द्वारा पूरे जिले में 411 गांव हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि में ये नागदा जिला है जिसमें बड़नगर, खाचरोद, उन्हेल और नागदा नगर, इंगोरिया ये सम्मिलित है, और इनमें 411 गांव हैं। इन 411 गांव में हर एक गांव तक ऐसे ही नगरीय क्षेत्रों में जो सेवा बस्तियां हैं, पिछड़ी बस्तियां हैं, उन बस्तियों तक ये पूरी पहुंचाने की योजना है। इस योजना को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता थी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जितेंद्र जी कुशवाहा ने अपने कुछ मित्रों से बात करके और उनके द्वारा फंड जुटाया और ये संसाधन उपलब्ध कराए। ऐसे ही अन्य जगह बड़नगर में भी और यहाँ पर भी सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं और प्रत्येक गांव तक पहुँचाने की व्यवस्था भी चालू हो चुकी है, कई गांव तक ये पहुँच भी चुके हैं। तो ऐसा बहुत बहुत आभारी है जो सेवा भारती नागदा है, वो बहुत बहुत आभारी है। पंकज जी देशमुख जो नागदा नगर में सेवा भारती का काम देख रहे हैं वो चेक स्वीकार करेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। आपके शहर की विश्वसनीय और तथ्यपूर्ण खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।